इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है और मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो, मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था, मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था, और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है, माणा गांव की मिट्टी की ताकत है, ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहां आया हूं और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे दो रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे,
सभी पूज्य गुरुओं पर हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये रोपवे ने खंभे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है, ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा इतना नहीं है, इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। आप देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। और समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरुओं की कृपा बनी रहे, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, बद्री विशाल की कृपा बनी रहे, यही और हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले, ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सीमा में इस काम को पूरा करें। और हम प्रार्थना करें, हर बार प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत कठिन इलाका है, यहां काम करना कठिन होता है, हवाएं तेज चलती हैं और इतनी ऊंचाई पे जाके काम करना होता है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस पूरे काम के दरमियान कोई एक्सीडेंट न हो जाए, किसी हमारे साथी का नुकसान न हो जाए, ये हम प्रार्थना करते रहे। और जिस भी गांव के पास वो काम करते हैं, वो भगवान का काम कर रहे हैं, आप उनको संभालना, उनको मजदूर मत समझना, उनको मजदूर मत समझना, ये मत समझना कि उनको पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी नहीं, वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वो आपके गांव के मेहमान हैं, कठिन काम करने वाले हैं, उनको जितना संभालोगे काम उतना तेजी से होगा। करोगे ना, इनको संभालोगे ना, अपने संतानों की तरह संभालोगे, अपने भाई बहन की तरह संभालोगे। साथियों, आज मैं बाबा केदार के धाम में गया था, तो वहां जो श्रमिक भाई बहन काम करते थे उनसे भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला, जो इंजीनियर लोग हैं उनके भी साथ बात करने का मौका मिला, मुझे इतना अच्छा लगा। और वो कह रहे थे कि हम कोई रोड का या इमारत का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो बाबा के पूजा कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, और ये हमारा पूजा करने का तरीका है। साथियों, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है, या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा, विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को
हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। और ये हमारे समाज में आज बड़ा हो ऐसा नहीं है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भलीभांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो,